नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शोई शाह और आप देख रहे हैं शोई टेक्निकल यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ आज के इस वीडियो में भी बहुत सारे एक्साइटिंग न्यूज़ है तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और हम बढ़ते हैं है हमारे पहले न्यूज़ की तरफ और शुरू करते हैं हमारा आज का टेक न्यूज़ का एपिसोड हमारा आज का फर्स्ट न्यूज़ है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी एम जीरो वन जो योजसंग का एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसमें आप लोगों को दो वेरेंट्स देखने को मिल जाता है एक है वन जी ब्लस सिक्सटी जी बी जिसका प्राइस है फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपी और दूसरा है टू जी प्लस थर्टी टू जी बी जिसका प्राइस है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीजी और इसका सेल स्टार्ट होने वाला है इंडिया में ट्वेंटी नाइन जुलाई से और आप इसे खरीद पाएंगे ऑफलाइन में सैमसंग के रिटेल स्टोर से और ऑनलाइन में सैमसंग डॉट कॉम और अदर जो मेजर ऑनलाइन स्टोर से वहाँ से इसमें आप लोगों को ब्लैक रेड और ब्लू ये तीन कलर ऑप्शन देखो मिल जाता है इसका इसमें आप लोगों को एंड्रॉयड टेन का गो एडिशन मिलता है और वन ई वाई का इंटरफेस देखने को मिल जाता है ये जो सैमसंग गैलेक्सी एम जीरो वन कोड है इसमें आप लोगों को फाइव पॉइंट थ्री इंचेस का एक एच डी प्लस का टी एफ टी डिस्प्ले देखो मिल जाता है और इसे डिस्प्ले में आप लोगों को एट्टीन इंच का एक्सप्रे एच मिलता है और इसमें अपडा डेक्स सिक्स सेवन थ्री नाइन का क्वाड कोड का पौसा मिलता है और इसमें आप लोगों को अप टू टू जी बी तक का रैम ऑप्शन मिलता है और अप टू थर्टी टू जी बी तक का इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है और आप इस स्मार्टफोन के स्टोरेज को एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे एक माइक्रो एच डी कार्ड के थ्रू फाइव वन टू जी बी तक इसके बैक साइड में आप लोगों को एट मेगा पिक्सल का सिंगल रियर कैमरा देखो मिल जाता है विथ एल ई डी फ्लैश ऐसे फोन में आप लोगों को फाइव मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा देखो मिल जाता है इस स्मार्टफोन में आप लोगों को थ्री थाउजेंड एम एच के बैटरी देखो मिल जाता है और इसमें आप लोगों को माइक्रो वे बी पोट मिलता है चार्जिंग के लिए इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन फाइव पॉइंट जीरो मिलता है जी पी एस मिलता है थ्री पॉइंट फाइव एम एम ऑडियो जैक भी देखो मिल जाता है लेकिन इस स्मार्टफोन में आप लोगों को कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने नहीं मिलता तो अगर आप सैमसंग गलेक्सी एम जीरो वन को का खरीदना चाहते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहाँ से आप इसको खरीद पाएंगे ट्वेंटी नाइन जुलाई सेकंड न्यूज है ब्लैक स्टार की तरफ से ब्लैक शार्ट ने वीबो के ऊपर एक टीजर को शेयर करके कन्फर्म कर दिया है ब्लैक शार्ट थ्री एस ये गेमिंग फोन चाइना में थर्टी जुलाई को लॉन्च होने वाला है और इस टीजर से हमें पता चलता है इस गेमिंग फोन के डिस्प्ले में आप लोगों को वन ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट देख को मिलेगा और टू सेवेंटी हज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा इसके अलावा ब्लैक शार्ट ने एक टीजर वीडियो को भी शेयर किया है जहाँ से हमें पता चलता है इस गेमिंग फोन में आप लोगों को सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले को मिलेगा और इसमें आप लोगों को एम ई एम सी थ्री पॉइंट जीरो टेक्नोलॉजी मिलेगा स्मूथ ग्राफिक्स के लिए लेकिन इस गेमिंग फोन के प्राइस या फिर इंटरनेशनल अवेलेबिलिटी को लेकर ब्लैक शक ने अभी तक कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं किया है और बताया जा है कि ब्लैक शक थ्री एस गेमिंग फ़ोन में आप लोगों को वेलकम स्नम ड्रेगन एट सिक्सटी फाइव प्लस का प्रोसेस देखो मिलेगा तो जब थर्टी फर्स्ट जुलाई को ब्लैक शर्क थ्री एस ये गेमिंग फ़ोन चाइना में लॉन्च हो जाएगा तब मैं अपने टेग में आप लोगों को इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दूँगा हमारे साथ ने रेडमी की तरफ से रेडमी ने इंडिया में उनके रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स के लिए एक नया एट जी ब्लस वन ट्वेंटी एट जी वाला वेरेंट को लॉन्च कर दिया है और ये जो नया वेरियंट है इसका प्राइसिंग क्या है नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ और ये नया वेरियंट इंडिया में फर्स्ट टाइम सेल पे जाने वाला है ट्वेंटी नाइन जुलाई ट्वेल्व पी एम से और ये एक्सक्लूसिवली मी कॉम के ऊपर से सेल पे जाने वाला है इसके अलावा Note नोट नाइन प्रो में आप लोग को और दो वेरेंट देखो मिल जाता है एक सैक्स सिक्स जी प्लस सिक्सटी फोर जी जिसका प्राइस है सिक्सटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन रुपीज़ और दूसरा है सिक्स जी बी प्लस वन ट्वेंटी एट जी बी जिसका प्राइस एटीन थाउजेंड फोर नाइन रुपीज़ और ये जो दोनों वेरेंट है ये नेक्स्ट टाइम इंडिया में सेल पे जाने वाला है ट्वेंटी नाइन जुलाई ट्वेल्व पीएम से और आप इन दोनों फ्रेंड्स को मी डॉट कॉम और अमेजोन इंडिया इन दोनों के ऊपर से ही खरीद पाएंगे इसके अलावा रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स में आप लोगों को ब्लू, और ब्लू ग्लेशियर व्हाइट और इंडस्ट्रियल ब्लैक ये तीन कार ऑप्शन देखो मिल जाता है और इसमें आप लोगों को एंड्रॉड टेन बेस्ट मी वी का इंटरफेस देखो मिल जाता है इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 6.67 पॉइंट का एक फुल एच प्लस का आई डिस्प्ले देखो मिल जाता है और इसमें आप लोगों को कॉलकॉम सेम डेगन सेवन ट्वेंटी जी का भाषा देखो मिल जाता है इस फोन के बैक साइड में आप लोगों को सिक्सटी फोर प्लस एट प्लस फाइव प्लस टू मेगा पिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सिर्फ देखो मिल जाता है और फ्रंट में थर्टी टू मेगा पिक्सल का पांच सौ सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है इसमें आप लोगों को फाइव थाउजेंड ट्वेंटी एम एच का बैटर देखो मिल जाता है विथ थर्टी थ्री वट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट लेकिन इस स्मार्टफोन के बॉक्स में आप लोगों को थर्टी वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में आप लोगों को यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए उसके साथ थ्री पॉइंट फाइव एम एम ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंस कहना मिलता है वाईफाई एट जीरो टू पॉइंट वन वन ए सी देखने को मिल जाता है और ब्लूटूथ वर्जन फाइव पॉइंट जीरो भी देखने को मिल जाता है तो अगर आप रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स को खरीदना चाहते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहाँ साहब आप इसको खरीद पाएंगे ट्वेंटी नाइन जुलाई ट्वेल्व पी एम से हमारा एस एवं सैमसंग की टैब से मैंने आपने पिछले एक टेक्नोलॉजी बताया था शायद से सैमसंग गलेक्सी टैप एस सेवन सीरीज से यानी कि सैमसंग गलेक्सी टैप एस सेवन और से सैमसंग गलेक्सी टैप एस सेवन प्लस इस साल का जो गैलेक्सी अनपेड इवेंट होगा फिफ्थ अगस्त को उसमें लॉन्च हो सकता है और अभी सैमसंग गले टैप एस सेवन सिक्स के बारे में रेंडर्स और स्पेस को लेकर कुछ लीक निकल के आ चुका है ये जो रेंडर निकल के आया है इस समय पता चलता है ये जो सैमसंग गैलेसी टैप एस सेवन और सैमसंग गलेक्सी टैप एस सेवन प्लस होगा इन दोनों में आप लोगों को लगभग सेम डिज़ाइन देखने को मिलेगा सिर्फ इनके डिस्प्ले का जो साइज होगा उसमें आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा ये जो रेंडर्स निकल गया है इस समय पता चलता है इन दोनों टैब्स में आप लोगों को राइट साइड में वॉल्यूम अप अपड डाउन का देखने को मिलेगा और इन दोनों के बैक साइड में आप लोगों को डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विद एलईडी फ्लैश और इसके बैक साइड में जो कैमरा मॉड्यूल मिलेगा उसके नीचे आप लोगों को एस पेन को अटैच करने के लिए एक जगह देखने को मिलेगा और जो सैमसंग गलेक्सी टैब एस सेवन प्लस का रेंटर निकल का है इसमें पता चलता है इसके राइट साइड में आप लोगों को वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन के साथ एक पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलेगा इसके अलावा कुछ रिपोर्ट निकल कहा है जहाँ से हमें पता चलता है जो सैमसंग गलेक्सी टैब एस सेवन सीरीज का दोनों टैब्स है इसमें आप लोगों को शायद से कॉलकॉम स्नैप एट सिक्सटी फाइव प्लस का बस्तर देखो मिलेगा विथ फाइव जी सपोर्ट और इसमें आप लोगों को ऐसे यू एस वी टाइप सी पोर्ट मिलेगा चार्जिंग के लिए और फोर स्पीकर देखने को मिलेगा और बताया जा कि इसमें आप लोगों को डिस्प्ले में वन ट्वेंटी एच का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा इन दोनों के ही बैक साइड में आप लोगों को थर्टीन प्लस फाइव मेगा पिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और फ्रंट में बताया जा कि आप लोगों को एट मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा और बताया जाए कि इन दोनों टैब्स में आप लोगों को फोर्टी फाइव वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा लेकिन बताया जाए कि इनके बॉक्स में आप लोगों को सिर्फ फिफ्टीन वाट का ही चार्जर देखने को मिलेगा जो कि एक फास्ट चार्जर होगा इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो सैमसंग गैलेक्सी टैब एस सेवन प्लस होगा इसमें आप लोगों को ट्वेल्व पॉइंट फोर का एक एमोलेट डिस्प्ले को मिलेगा और इसमें आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा और बताया रहा है कि स्मार्ट प्लो को टेन थाउजेंड नाइनटी एम एच का बैटरी देखो मिलेगा और बताया जाएगा कि जो सैमसंग गलेक्सी टैप एस सेवन होगा स्मार्ट प्लो को इलेवन इंचेस का एक एल टी पी एस एल सी डी डिस्प्ले देखो मिलेगा और इसमें आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखो मिलेगा और बताया कि स्मार्प्लो को सेवन थाउजेंड फोर्टी एम एच का बैटरी देखो मिलेगा तो जब भी फ्यूचर में सैमसंग गलेक्सी टैप एस सेवन और सैमसंग गलेक्सी टैप एस सेवन प्लस बारे में कोई और डिटेल्स निकल आएगा मैं आप लोगों को इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगा हमारे साथ रेसोस है कॉलकॉम की तरफ से कॉलकॉम ने उनके क्विक चार्ज फाइव फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया है ये जो क्विक चार्ज फाइव है इसमें आप लोगों को हंड्रेड वाट से ज़्यादा का चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और ये जो क्विक चार्ज फाइव है ये फोर थाउजेंड एम एच के बैटरी को जीरो टू हंड्रेड परसेंट चार्ज कर सकता है सिर्फ फिफ्टी मिनट्स में ही और ज़ीरो टू फिफ्टी परसेंट चार्ज कर सकता है सिर्फ फाइव मिनट्स में ही उसके बाद ये जो क्विक चार्ज फाइव है इसमें आप लोगों को एक नया बैटरी सेवर देखने मिल जाता है उसके बाद एक स्मार्ट आइडेंटिफिकेशन मिलता है एडेप्टर का कैपेबिलिटीज़ का और इसमें आप लोगों को क्विक चार्ज फोर और क्विक चार्ज फोर प्लस के मुकाबले में क्विक चार्ज फाइव में आप लोगों को टेन डिग्री सेल्सियस मोर कूलिंग देखने को मिल जाता है उसके बाद जो क्विकचर्ज का फर्स्ट जनरेशन था उसके मुकाबले में आप लोगों को क्विकचर्ज फाइव टेन परसेंट ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल जाता है और जो क्विकचर्ज फाइव है इसमें आप लोगों को सेवेंटी परसेंट मोर एफिशिएंसी देखने को मिल जाता है उसके बाद कॉलकॉम ने बताया है, जो कॉलकॉम क्विकचर्ज फाइव इसके ऊपर आने वाला जो फर्स्ट डिवाइस होगा वो क्यू थ्री में लॉन्च होगा इसी साल और ये जो क्विकचर्ज फाइव है यह अभी कॉलकॉम स्नैम टेगन ए सिक्सटी फाइव और ए सिक्सटी फाइव प्लस इन पोसेस में सपोर्टेड होगा और बहुत ही जल्दी है कॉलकॉम स्नैम सेवन हंड्रेड के सीरीज में भी सपोर्टेड होने वाला है और फ्यूचर में शायद से कॉलकॉम क्विक चार्ज फाइव पीवियस जनरेशन का जो कॉलकॉम प्रोसेसर है उनमें भी आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिल जाएगा उसके बाद ये जो क्विक चार्ज फाइव है इसमें आप लोगों को टू एस बैटरी बैक का सपोर्ट मिलता है यानी कि जो डुअल बैटरीज का डिवाइसेस होता है उनमें भी आप लोगों को क्विक चार्ज फाइव का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा तो अभी जा फ्यूचर में कॉलकॉम क्विकचार्ज फाइव के ऊपर आने वाला फर्स्ट डिवाइस के बारे में कोई भी डिटेल्स निकल का आएगा मैं अपने आप लोगों को इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगा अच्छा रेडमी की तरफ से रेडमी ने ट्विटर के ऊपर एक टीज़र को शेयर किया है जहाँ हमें पता चलता है रेडमी नाइन इंडिया में फोर्थ अगस्त को लॉन्च होने वाला है एट ट्वेल्व पी में ये जो टीज़र है इसमें एक प्राइम लिखा हुआ है और उसका जो शैडो पड़ रहा है स्मार्टफोन के ऊपर उस शैडो में लिखा हुआ है नाइन और इस टीजर में जो डेट दिखाया गया है वो है फोर्थ अगस्त ट्वेल्व पी यानी कि इससे हमें पता चल रहा है शायद से रेडमी नाइन इंडिया में फोर्थ अगस्त को ट्वेल्व पी एम लॉन्च होने वाला है और ये जो नया स्मार्टफोन है रेडमी की तरफ से इसका एक डेडिकेटेड पेज भी निकल कर आ चुका है मी डॉट कॉम के ऊपर से और उसके बाद ये जो नया स्मार्टफोन है इसको रेडमी अमेजोन के ऊपर भी टीस कर रहा है और बताया जा रहा है कि जो रेडमी का नाइन होगा ये इंडिया में सेल पर जाने वाला है सिक्स अगस्त से यानी कि अमेज़ॉन प्राइम डे सेल के दौरान ये जो रेडमी का नाइन है ये ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है और अभी ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है और चाइना में रेडमी नाइन तीन वेरियंट्स में लॉन्च हुआ है एक तो है फोर जी प्लस सिक्सटी फोर जी चाइना का प्राइस अगर हम इंडियन रुपी से कन्वर्ट करें तो कुछ एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ का आसपास पड़ता है दूसरा है फोर जी प्लस वन ट्वेंटी एट जी चाइना का प्राइस अगर हम इंडियन रुपी से कन्वर्ट करें तो कुछ टेन थाउजेंडेंस हंड्रेड रुपीजी का आसपास पड़ता है और तीसरा है सिक्स जी बी प्लस वन ट्वेंटी जी बी जिसका चाइना का प्राइस अगर हम इंडियन रुपी से कन्वर्ट करें तो कुछ ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ है तो शायद से इसी प्राइस के आसपास और इन्हीं वेरियंट्स में रेडमी नाइन इंडिया में लॉन्च हो सकता है इसके अलावा जो Redmi 9 का चाइना वाला वेरिएंट है इसमें अपलो को सिक्स का एक फुल एच प्लस का वाटर ऑफ नॉजल डिस्प्ले देखो मिल जाता है और इसे डिस्पे में आप लोगों को कॉर्निंग गोयला ग्लास थ्री का प्रोटेक्शन देखो मिल जाता है और इसमें लोगों को मीडिया टे हिलियो जी एट्टी का बहुत देखो मिल जाता है और इसके बैक साइड में आप लोगों को थर्टीन प्लस एट प्लस फाइव प्लस टू मेगा का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखो मिल जाता है और फ्रंट में एट मेगा का सेल्फी कैमरा देखो मिल जाता है और रेडमी नाइ नाइन का जो चैनल वाला वेरेंट है इसमें आप लोगों को फाइव थाउजेंड ट्वेंटी एम एच की बैटरी देखो मिल जाता है विथ एट्टी वाइट क्विक चार्ज थ्री पॉइंट जीरो का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वाया यूएसबी टाइप सी पोर्ट और इसमें आप लोगों को ए का सपोर्ट मिलता है जी मिलता है वाईफाई डायरेक्ट मिलता है ब्लूटूथ पर्सन फाइव पॉइंट जीरो मिलता है एफ एम रेडियो मिलता है उसके साथ थ्री पॉइंट फाइव एम एम ऑटियो जैक भी देखने को मिल जाता है और इसमें प्लो को फेस अनलॉक के साथ साथ रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है तो शायद से इन्हीं सेम स्पेसिफिकेशन के साथ रेडमी नाइन इंडिया में लॉन्च हो सकता है तो जब फोर्थ ऑगस्ट को रेडमी नाइन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा तब मैं अपने टेक आप लोगों को इसके बारे में सारी रील्स दे दूंगा आज का नेक्स्ट न्यूज है चाइनीज़ एप्स बैंड को लेकर लास्ट मंथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने फिफ्टी नाइन चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैंड कर दिया था सिक्योरिटी और प्राइवेसी रीजनस के कारण और उस लिस्ट में टिकटॉक शेयरिट यूजी ब्राउजर के जैसे बहुत सारे पॉपुलर चाइनीज़ एप्स थे और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से 47 सेवन चाइनीज़ एप्स को इंडिया में बैंड कर दिया है और ये जो नया बैंड ऐप्स है फोर्टी सेवन ये बताया जा रहा है कि उन्हीं फिफ्टी नाइन बैंड ऐप्स के क्लोन ऐप्स थे लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ये जो नया फोर्टी सेवन चाइनीज़ ऐप्स बैंड हुआ है इनका जो कन्फर्म लिस्ट है उसको शेयर नहीं किया है और सबसे बड़ा जो न्यूज़ कल कर रहा है वो है बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी और भी टू फिफ्टी चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में बैंड कर सकता है और बताया कि उस लिस्ट में शायद से पापजी मोबाइल भी रह सकता है यानी कि शायद से पापजी मोबाइल भी इंडिया में बैंड हो सकता है लेकिन ये तक कन्फर्म नहीं हुआ है ये सिर्फ रूमर से निकल के आ रहा है तो जब भी फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट के इन चाइनीज़ ऐप्स बैंड को लेकर कोई और डिटेल्स लेकर आएगा मैं अपडेट में आप लोगों को इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दूँगा हमारा सा ने उसे रियल की तरफ से रियलमी ने के ऊपर एक टीजर को शेयर करके अनाउंस कर दिया है रियल मी वी फाइव स्मार्टफोन चाइना में थर्ड अगस्त को लॉन्च होने वाला है मैंने अपने फोर्टी फाइव नंबर टेक्नोलॉजी आप लोगों को बताया था कि एक टीज़र वीडियो से पता चल रहा है रियलमी वी फाइव चाइना में ट्वेंटी सेवन जुलाई को लॉन्च होने वाला है लेकिन आज रियल मी वी फाइव तो लॉन्च नहीं हुआ चाइना में लेकिन रियल मी ने उनके स्मार्टफोन का जो कन्फर्म लॉन्च डेट है यानी कि थर्ड अगस्त उसको अनाउंस कर दिया है उसके बाद रियल मी के इस से हमें एक बार फिर से कंफर्मेशन मिल रहा है इसके फंड में आप लोगों को होल पंच पंचरीज को मिलेगा ऐसे फंड में आप लोगों को सिंगल पंचोल सेल्फी कैमरा मेरे को मिलेगा और इसके राइट साइड में आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंस कैमरा देखो मिलेगा और इसके बैक साइड में आप लोगों को क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखो मिलेगा इसके अलावा रियल मी वी फाइव का जो प्री बुकिंग है ये ऑलरेडी चाइना का जो टी मॉल है उसके ऊपर से शुरू हो चुका है और ये जो टी मॉल है इससे हमें पता चलता है रियलमी वी फाइव में आप लोगों को ब्लू ग्रीन और सिल्वर ये तीन कलर ऑप्शन देखो मिलेगा इसके अलावा टी मॉल से ये भी पता चलता है कि रियलमी वी फाइव थर्ड अगस्त को चाइना में लॉन्च होने के बाद उसी दिन ही सेल सेल्फे जाने वाला है इसके अलावा पता चलता है इसमें आप लोगों को सिक्स पॉइंट फाइव इंचेस का एक फुल एच डी प्लस का आई पी एस डिस्प्ले देख को मिल जाएगा और इस डिस्प्ले में आप लोगों को थाउजेंड एट्टी इंटू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड पिक्सल रेजोल्यूशन मिलेगा और उसके बाद ट्वेंटी स्टूडेंट का एस्पेक्ट रेशियो देखो को मिल जाएगा और इसमें आप लोगों को मिलेटेड डायमंड सीरीज सेवन ट्वेंटी का पसस्ट देखो मिल जाएगा विथ फाइव जी सपोर्ट और इसमें आप लोगों को सिक्स जी बी और एट जी बी रैम ऑप्शन मिलेगा और वन ट्वेंटी एट जी बी का इंटरनल स्टोरेज देखो मिल जाएगा और इसका बैक साइड में आप लोगों को जो क्वाड रियर कैमरा सीट देखो मिलेगा उसका प्राइमरी कैमरा होगा फोर्टी एट मेगा पिक्सल का और इसमें आप लोगों को एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखो को मिल जाएगा इसके अलावा रियलमी वी फाइव को रिसेंटली टेना वेबसाइट के ऊपर भी स्पॉट किया गया था जहाँ से पता चलता है इसके बैक साइड में आप लोग जो क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखो मिलेगा उससे सेकंड कैमरा होगा एट मेगा पिक्सल का थर्ड कैमरा होगा टू मेगा पिक्सल का और फोर्थ कैमरा भी होगा टू मेगा पिक्सल का और इसमें आप लोगों को फोर्थ थाउजेंड नाइन हंड्रेड एम एच का बैटरी देखो मिल जाएगा तो अब थर्ड अगस्त को रियलमी वी फाइव चाइना में लॉन्च हो जाएगा तब मैं आपको टेक्यूस आप लोगों को इसके बारे में सारी रील्स दे दूँगा लास्ट न्यूज़ है वोबे की तरफ से वावे ने उनके माई माइंग नाइन ये जो स्मार्टफोन है इसको चाइना में लॉन्च कर दिया है और ये स्मार्टफोन चाइना में दो वेरियंट्स में लॉन्च हुआ है एक है सिक्स जी बी प्लस वन ट्वेंटी जी बी जिसका चाइना का प्राइस अगर हम इंडियन रुपये से कन्वर्ट करें तो कुछ ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ के आसपास पास लगता है और दूसरा एट जी बी प्लस वन ट्वेंटी जी बी जिसका चाइना का प्राइस अगर हम इंडियन रुपए से कन्वर्ट करें तो कुछ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज़ के आसपास पास है और इस स्मार्टफोन में आप लोगों को चेरी ब्लॉसम फॉरेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट और फैंटम नाइट ब्लैक ये तीन कलर ऑप्शन देखो मिल जाता है और बताए कि ये जो होवे का माई मैन नाइन है ये चाइना के बाहर यानी कि ग्लोबल मार्केट में वावे एनजो ट्वेंटी एस के नाम से लॉन्च हो सकता है ये जो होवे का माई मैंग नाइन है इसमें आप लोगों को सिक्स पॉइंट एटी इंच का एक फुल एच प्लस का डिस्प्ले देखो मिल जाता है और इससे जिसमें आप लोगों को ट्वेंटी टू एंट का एक्सपेटेज देखो मिल जाता है और इसमें आप लोगों को मीडिया टेक डायमेंड सिटी एट हंड्रेड का प्रोसेस देखो मिल जाता है विद फाइव जी सपोर्ट और इसमें आप लोगों को फाइव जी के साथ साथ फोर जी एल टी पी देखने को मिल जाता है इसमें आप लोगों को पीछे की तरफ 64 फोर प्लस एट प्लस टू मेगा पिक्सल का ट्रिपल लेयर कैमरा देखो मिल जाता है और फ्रंट में 16 मेगा पिक्सल का पंचोर सेल्फी कैमरा देखो मिल जाता है और इसमें आप लोगों को 4300 थाउजेंड थ्री हंड्रेड एम का बैटरी देखो मिल जाता है विथ ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव वैट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वाया यूएस बी टाइप सी पोर्ट तो जब भी फ्यूचर में हुआ वे माई मैक नाइन का ग्लोबल लॉन्च या फिर इंडिया लॉन्च को लेकर कोई भी डिटेल्स निकल का आएगा मैं अपडेट है आप लोगों को इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगा तो हमारा आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को जो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद उस साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिएगा और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जब हम वीडियो अपलोड हैं और अगर आपका कोई भी सवाल ऐसी सजेशन है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में और हमारे चैनल के बारे में पता चले और जितने भी प्रोडक्ट्स का लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उन सभी का प्राइस कभी कभी वेबसाइट वेबसाइट वेरी कर सकता है और कलर और फ्रेंस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है तो जरूर खरीदने से पहले रिसर्च कर लीजिएगा और बाहर जो कोरोना वायरस को सिचुएशन है उसमें अपने घर में ही रहिए और सेफ रहिए और अगर किसी भी जालू का हमसे बाहर निकलते तो जरूर मास्क पहनिए तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक बी पॉजिटिव एंड हैप्पी